साल 2019 के लोकसभा चुनाव जितने करीब आ रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी को उतना ही घेर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हुई गिरफ्तारी पर ट्वीट करके कहा कि नए भारत में सिर्फ एक ही एनजीओ के लिए जगह है और उसका नाम आरएसएस है। राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को न्यू इंडिया बनाने के लिए बड़े बड़े वादे और दावे किए हैं, और इसी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस को घेरते हुए कहा कि बाकी सभी एनजीओ बंद कर देने चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं को जेल भेज दीजिए और शिकायत करने वाले को गोली मार दीजिए। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। देखा जाए तो राहुल गांधी की नजर में आरएसएस की छवि कुछ इस तरह की है। तो वहीं इस ट्वीट के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए माओवादियों से नंबर एक का खतरा बताया था, लेकिन राहुल गांधी उन्हें खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।